शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पूरी क्लास में एक ही लड़का फेल हुआ है, वो भी आपका बेटा राजा जी। मेरा ऑफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है। धन्यवाद। हे नंद के लाल, मैंने अपने बेटे का नाम राजा क्या रखा, वो तो सचमुच राजाओं की तरह जीने लग गया। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा हो गया। उसकी हरामखोरी की आदत छुड़वा दे और मेहनत करना सिखा दे। मैं तेरे चरणों में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हे माखन चोर, मेरा बेटा एक नंबर का काम चोर, दिन भर आवारा सांड की तरह गांव में फिरता रहता है, लड़कियों की मटकियां फोड़ता रहता है। उसको अपनी तरह नटखट नहीं, राम जी की तरह आदर्शवादी बना दे। मैं 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। हे बुद्धि के सागर, मेरे बेटे के भेजे में बुद्धि की जगह भूसा भर दिया है। पिछले 3 साल से बीए में फेल हो रहा है। इस साल उसकी पढ़ाई की नैया की खेवैया बन जाओ, उसको पास करा दो, फिर मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा और 101 रुपया और चढ़ाऊंगा। जय कृष्ण मुरारी। जय राम जी की। शिवनाथ जी। जय राम। कहाँ भागे जा रहे हैं, कुछ भगवान पे पैसे वैसे तो चढ़ा के जाइए। अभी मेरा काम थोड़ी हुआ जो पैसे चढ़ा के जाऊं, हो जाएगा तो ऐसे क्या देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, 100 रुपया एडवांस दे के जाता हूँ, बाकी काम होने पर दूंगा। अच्छी बात है, लाइए। मेरा बटुआ, एक पैसा नहीं मेरे पास। अरे क्या शिवनाथ जी, भगवान के सामने खड़े खड़े बहाने बना रहे हैं। नहीं नहीं पंडित जी, आपके सर की कसम, कल मैंने मंडी में गेहूं बेचा, 1000 रुपया मुझे मिला, पैसा नहीं है मेरे पास। समझ गया, मैं उसके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, उसने मेरी जेबी साफ कर दी। राजा, ए राजा, राजा। क्या है जी, क्यों राजा राजा कह के चिल्ला रहे हो? जब मैंने अपने बेटे का नाम राजा जी रखा है, सारा गांव उसे राजा जी बुलाता है, तो उसे राजा कहने वाले आप कौन होते हैं? मैं उसे राजा जी कहूँ जी? एक बार वो जी मुझे मिल जाए तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूँ। उल्टा नंगा लटका कर पुराने गदेले की रुई की तरह नहीं धुनक डाला तो मेरा नाम शिवनाथ नहीं। क्यों जी, क्या किया है मेरे लाल ने? तुम्हारे लाल ने मेरा मुंह काला कर दिया है, हरामखोर ने मेरा बटुआ उड़ा लिया, पूरे 1000 रुपए थे उसके अंदर। क्या बात कर रहे हैं, मेरा बेटा चोर है क्या? चोर? अरे तुम्हारे बेटे को चोर देकर अपनी जेब दबाकर गांव छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए जी, इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पर, क्या सबूत है कि मेरा बेटा चोर है? सबूत? जीजा जी, ये रहा सबूत। तुम्हारा वाहियात भाई, मेरा निकम्मा साला, मेरे बेटे को बर्बाद करने वाला, क्या है बे शादीलाल? जीजा जी, सुबह सुबह गुस्सा क्यों खा रहे हो? अरे खाना है तो लड्डू खाओ, कड़वा मुँह मीठा हो जाएगा। प्यारी बहना, ये लड्डू का डब्बा तेरे लिए है। क्या बात है भैया, लड्डू बांट रहे हो? कोई लड़की मिल गई है, शादी वादी कर रहे हो क्या? प्यारी बहना, यही गहना तो तेरे भाई ने अभी तक नहीं है पहना। परसों से दूल्हे की तरह तैयार होके घूम रहा हूँ, सर पे दूल्हे की पगड़ी, तन पे दूल्हे का जोड़ा, जेब पे ये देखो चमचमाता चेहरा। अरे बरसों से पंडित को भी तैयार करके बैठा हूँ, अरे 4-5 बार तो अकेले फेरे लगा चुका हूँ, लेकिन दुल्हन ससुरिया की मिलती नहीं है। मिल जाएगी। पिताजी ने है ना मेरा नाम तो शादी लाल रख दिया था, पर उसके लाल की शादी तो हुई नहीं पाई है। हो जाएगा। अबे क्यों बात को शैतान की आंख की तरह लंबा करता जा रहा है, बोलता क्यों नहीं कि मिठाई किस खुशी में बांट रहा है? हाँ। जी जाजी, मैं नहीं बांट रहा हूँ, तो? ये तो आपकी आंखों का तारा, आपके खानदान का चिराग, आपके कलेजे का टुकड़ा, अरे आपका नूरे नजर, आपका बेटा राजा जी बांट रहा है। हाँ? तुम क्या है कर रही हो? एक तो हरामखोर ने मेरी जेब से 1000 रुपए चुरा लिए, ऊपर से मामा भांजे लड्डू खा रहे हैं। जीजा जी, हम दोनों अकेले थोड़ी ना खा रहे हैं, वो तो पूरे गांव को खिला रहा है। पूरा गांव? जीजा जी, गांव का नाम छोड़ के खर्च। बाबूजी, बाबूजी। ये बहुत जरूरी है। जा रहे हैं तो जा रहे हैं। शिवनाथ जी मुबारक हो, क्या दिल पाया है आपके बेटे ने, बिल्कुल आप जैसा, पूरे गांव का मुंह मीठा करा दिया उसने।
आ बचुआ। नमस्ते श्रीलाल जी, नमस्ते। क्या हुआ, तुझको भी मेरे बेटे ने लड्डू खिला दिए? उनकी क्या मजाल जो मुझे लड्डू खिलाएगा? अरे मैं तो इंसान हूँ, उसने तो गाय भैंस बैल बिल्ली सभी को लड्डू खिला रहा, अव्वल आया ना। मेरा बेटा अव्वल है पढ़ाई में? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपके लड़के को जितने नंबर मिले हैं ना, क्लास में किसी के नहीं मिले। बताओ, मेरा बेटा अव्वल है पर मैं उसको मारने के लिए लाठी लेके घूम रहा हूँ। लाठी के बजाय मेरे हाथ में मिठाई होनी चाहिए थी। अरे वाह, मिठाई आ गई। मुखोल 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 मुखोल, तेरा मुंह के चूहे का बिल है। मुखोल 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 मुखोल, दे रहा बाबा, दे रहा दे रहा, एक दे रहा एक मिनट। हाँ लो, सब लो लो लो, दे रहा भाई एक मिनट दे रहा हूँ। अरे माचिस जी, माचिस जी, अरे आप तो लड्डू खाइए। मगर किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं आप? कमाल है, आप ही ने तो मेरे बेटे को इज्जत की पदवी पे बिठाया है। इज्जत की पदवी पे मैंने? हाँ, आप ही के कारण तो मेरा बेटा अव्वल नंबर से पास हुआ है। लीजिए लड्डू खाइए। अरे क्यों लड्डू बांटकर अपना नुकसान कर रहे हैं? आज के युग में चोर लुटेरे डाकू पास हो सकते हैं, मगर आपका बेटा पास नहीं हो सकता। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये मजाक मैंने नहीं, ये मजाक आपके बेटे ने आपके साथ किया है। पूरी क्लास में एक ही लड़का फेल हुआ है, वो भी आपका बेटा राजा जी। आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। पूरी क्लास में इतनी बुरी तरह से फेल हो गया कि पूरे कॉलेज के मुंह में कालक फोड़ दी उसने। यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ तक बोल दिया कि दोबारा इस तरह कोई लड़का फेल होगा तो कॉलेज में ताला लगा देंगे, और आप लड्डू बांट रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? हटाइए, लड्डू बांट रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, मैं इसके लिए मिठाई बांट रहा हूँ? मिठाई के बदले मेरे हाथ में लाठी होनी चाहिए थी। मामे, बाबूजी की स्पीड इस उम्र में कैसे बढ़ गई यार? भाग 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 दीवार बड़ी मजबूत है मामे, छलांग मार लेते छलांग। तुम मेरे को हेल्प कर मामे, मामे तुम मुझे हेल्प कर, हेल्प कर, हेल्प कर मामे, मामे हेल्प कर। भाग, और कहां तक भागेगा? भाग, वो तो गली ने धोखा दे दिया, बीच में दीवार खड़ी कर दी वरना मैं भाग जाता। मैं इसी दीवार में तेरे को जिंदा चुनवा दूंगा। मैं कोई अनार खड़ी हूं जो मुझे चुनवा देंगे? लोगों से झूठ बोलता है, तू अव्वल है? लो, अव्वल तो मैं आया हूं ना मामे। कहां से अव्वल आया? पीछे से अव्वल आया हूं ना मैं। पीछे से अव्वल और मिठाई बांटता? अरे जीजा जी, आगे से अव्वल आया, पीछे से अव्वल आया, पर आया तो है ना अव्वल। कल से तेरा घूमना फिरना बंद और इसकी पढ़ाई लिखाई बंद। कल से तुम दोनों खेत में जाओगे। खेतों में तो हम लोग सवेरे जाते हैं डिब्बा लेकर। अब दिन भर जाओगे, हल जोतोगे, बैलों के बदले काम करोगे। बैल की जगह काम करेंगे? भांजे, मैं किस एंगल से बैल लगता हूँ जो मुझे बैल की तरह जोतेंगे? ये तू तो फिर भी लगता है। मैं तो बिल्कुल नहीं लगता, मैं कहाँ जाऊंगा? मामे, ए मामे, अरे वो क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो कड़ुआ है। हाँ, फटफटी बजा रहा है। कड़ुआ, ए कड़ुआ, अबे तेरी औकात कैसे बदल गई? अरे कड़ुए, अबे कड़ुए, हमें ये कड़वा है क्या? कड़वा ही लग रहा है ये तो। ये कड़वा, अरे यार ये कमाल गरीब है। ये देखिए, मोटरसाइकिल पे तोता बैठा है। तोते पे चश्मा लगा हुआ है, इस पे भी चश्मा लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा तोता कौन है, आदमी कौन है? मैं हूं यार, आदमी मैं हूं। अरे कमाल की बाइक यार, कमाल का सूट यार। ये देखिए, ये देख कंगी, कंगी दे, चूड़क दे। कड़वा, ये चक्कर क्या है बताना यार? तूने मुंबई का नाम सुना है? अभी चार बजेगा मुंबई, तू क्या बात कर रहा है? ये वही के ठाट बाट है हरामजादे। क्या मम्मी गाली क्यों दे रहा है? बांटते, ज्यादातर लोग मुंबई में जिनका पैसा होता है ना वो स्मगलर हो जाते हैं। ये स्मगलर बन गया ये। कड़वा, चार चार आने में गोबर उठाने वाला कड़वा आज का स्मगलर बन गया। अबे क्या उल्टी सीधी आंक रहा है तू, पागल हो गया? मुंबई शहर में इज्जतदार आदमी हूँ मैं, जिधर से मैं निकलता हूँ ना सब मेरे को सलाम ठोकते हैं। सलाम ठोकते? क्या ठोकता है? ओए ठोकता नहीं बे, तूने जैक्सन का नाम सुना है? अबे बहुत बड़ी कंपनी है, वहीं पे सर्विस करता हूँ मैं, बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे 200 आदमी काम करते हैं। ठीक से देख यार, नीचे नहीं तेरे ऊपर करते होंगे यार। मटकी के द्वार में जैसे मटकी फोड़ते वक्त तेरे नीचे भी 200 आदमी काम करते हैं। क्या पावड़ों जैसी बात कर रहा है? नीचे काम करने से मेरा मतलब है कि मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, मेरे अंडर। अच्छा, तेरे को पगार कितनी है? 10,000 महीना। 10,000? मामे समझ गया यार, ये दिन भर कुत्ते की तरह काम करता है ये। वो क्या बात करता है, काय का काम, ठाटते रहता हूँ मैं। दिनभर ऑफिस में एयर कंडीशन की हवा खाता हूँ, और सुन, मुश्किल से 8-10 फाइलें मेरे सामने आती है, साइन करता हूँ, लट्टा देता हूँ। मामे बगल में से हट यार, ये कड़वा, ये इस तरह से बगैर मेहनत के करने वाला काम मेरे को भी दिला देना यार। सुन, ओए तूने बीए पास किया है?
बीए नहीं, बीए कॉलेज के आसपास से पास होता रहता हूँ, लेकिन कॉलेज से बीए पास नहीं किया। उसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए डिग्री होना बहुत जरूरी है, समझा? तू एक काम कर, तू गांव में रह, ये तेरे बस का रोग नहीं है। मैं 4 आने में गोबर उठाता था, तू 8 आने में उठा, चल हट हट पीछे हट हट हट। न चल के राख हो गया क्या? कोई बात नहीं, ना वो जिस गोबर की बात करके गया है ना, उसी गोबर को एक दिन उसके मुंह पे थोप देना तू। जीजा जी, भांजा कुछ कहना चाहता है। बात तो कहने वाली नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ बाबूजी। मुंबई? क्यों, गांव का सत्यानाश कर दिया आप? क्या मुंबई खराब करने का इरादा है? बात सत्यानाश की नहीं है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। नौकरी? तू और नौकरी? नौकरी के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, तू काहिल कामचोर, तू क्या नौकरी करेगा? जीजा जी, जब से भांजे ने कड़ुए को फटफटी में देखा है ना, तब से इसका दिल फटफटा रहा है कि मैं भी मुंबई जाऊंगा, मुंबई जाके नौकरी करूंगा। कलवे ने एमए पास किया, ये काहिल काम चोर 50 मरता, बीए में फेल हुआ, इसको नौकरी कौन देगा? मामा बता ना बीए के बारे में यार। जीजा जी, बीए का सर्टिफिकेट मिलना आजकल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, कहाँ मिल जाता है? राशन की दुकान पे, सब्जी मंडी में? नहीं नहीं, वो रजिस्ट्रार है ना। रजिस्ट्रार तुझे सर्टिफिकेट क्यों देगा, तेरे बाप का राज चलता है। नहीं नहीं, आपका राज होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पैसे का राज होगा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या मतलब? सुनिए जी। लो जी, जी बता देगी आप। अजी मैं बताती हूँ, उस रजिस्ट्रार की हथेली गर्म कर दी और उसे डिग्री तैयार करवा ली। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं इसको बिना परीक्षा पास किए हुए रिश्वत देकर बीए की डिग्री दिलवा दूँ? हाँ तो क्यों नहीं, आजकल तो आम ऐसा होता है। वो अपने वो पड़ोस के गाँव का वो कौन झिंगुर मोती, उसने भी तो यही किया था ना, पैसे जमा किए और उसने उसको दे दी वो जी 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 रजिस्ट्रार। हाँ, रजिस्ट्रार को दे दिया, उसने फौरन ना वो कौन से बस की डिग्री बनाई। जी जी, बस की नहीं, MBBS की डिग्री। हाँ यही डिग्री बनाई, और आज देखो ना वही झिंगुर मोती खानदानी काम छोड़कर डॉक्टरी कर रहा है और अंधाधुंध पैसे कमा रहा है। क्यों? अरे जीजा जी, मुंबई में टॉप का जूतों का डॉक्टर है। तुम अपनी बेहुदा दलीलों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने नियम अपने उसूलों से गुजारी है, इसके लिए मैं अपने नियम नहीं तोड़ सकता। इस घर में जाली सर्टिफिकेट और रिश्वत की डिग्रियां नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। माँ ये तो बहुत जाती है, अब मैं नौकरी करने को तैयार हो गया तो कहते हैं शहर मत जा। अब मेरे भेजे में पढ़ाई नहीं आती तो मैं क्या करूं? अब पाव किलो के थैली के अंदर कोई बोरी भरा अनाज ठूस देगा तो थैली फट नहीं जाएगी। माँ मैं समझा ना माँ को। अरे अपनी जीजी को मैं क्या समझाऊंगा? अरे मैं तो समझी हुई हूँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तुझे सर्टिफिकेट मैं दिलवा के रहूंगी, शादी। भांजे मेरे बगैर बोर मत होना। तू बोर मत कर मुझे। ठीक है, ये ले शादी, और मेरे चांद के लिए एक अच्छा सा बीए का सर्टिफिकेट लेकर आ। जी जी, तू फिकर मत कर, मैं ना रजिस्ट्रार के पहले तो पैर पकड़ूंगा, फिर उसके पैर धोऊंगा, फिर उसका पानी पीऊंगा, और अगर साले ने सर्टिफिकेट नहीं दिया ना तो पैरों को सूखने नहीं दूंगा। इतनी देर पैर धोएगा? तू तो मुझे आशीर्वाद दे दे बस। अच्छी पैर धुलाई करियो। तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी भोली है, मेरी जीजी है। ये आवाज कैसी आ रही है बाबूजी? ये क्या है? आरती। आरती किसकी? अपने। कौन अपने? राजा जी की। धन धान्य सुता निवत मनुष्यो मत प्रसाद। अरे ये किस खुशी में आप इसकी आरती उतार रही हैं? अजी मुबारक हो, आपका बेटा बीए में फर्स्ट क्लास पास हुआ है और मुंबई भी जा रहा है काम करने। बहुत अच्छे, मतलब आज तक ये जितनी भी बेहुदा फरमाइशें करता रहा तुमने सब पूरी कर दी, अब ये भी पूरी कर रही हो। क्यों ना करूं, मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है और इसके भविष्य के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ, करो जो तुम्हारे जी में आए। अरे मेरी मर्जी तो ये है कि तुम इसे शहर तक छोड़ने जाओ। मैं? जी, पहली बार मेरा बेटा गांव से बाहर अजनबी शहर में जा रहा है, वहाँ उसके रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, ये सब कौन करेगा? आप ही को तो करना है ना। माँ वो रास्ते वाली बात। और हाँ जी सुनिए, रास्ते में मेरे बेटे को गालियां मत देते हुए जाइएगा। नहीं तुम कहो तो मैं रास्ते भर इसकी पूजा करता रहूंगा। अरे वाह भैया, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 में से 98, अरे हिस्ट्री में 95 और ज्योग्राफी में 99। सेठ जी, इम्तिहानों के दिनों में है ना, मेरे भांजे की तबीयत थोड़ी नरम थी,
इस करके नंबर थोड़े कम आए हैं। इसको आप नंबर कम कहते हो? अरे भैया तबियत ठीक होती तो क्या 100 में से 150 ले आता? नहीं 150 आवे नहीं आवे, मेहनत तो करनी चाहिए ना, क्यों मामे? बिल्कुल ठीक भांजे, और जी मेहनत करने में क्या हर्ज है, वैसे भी मेहनत करने में ना कुछ घिसता नहीं है। वाह वाह मिस्टर राजा, तुम बहुत ही महान हो। धन्यवाद जी। बेहद जहीन और होशियार लड़के हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा ऑफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है। धन्यवाद जी। भांजे, ओ जी आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे भांजे के लिए नौकरी का यहाँ कोई चांस नहीं है? नहीं जी, मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर ये मेरी ऑफिस में काम कर ले तो मेरी ऑफिस की तकदीर में 4 चांद लग जाएंगे। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ओ जी आपने एहसान का टॉपिक छेड़ा है तो मैं एहसान के बारे में आपको खोल के बता दूं कि मेरे भांजे ने ना सिर्फ आप पे एहसान नहीं किया है, पर ये तो इतना लायक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार पे एहसान किया है। मामे इतना इमोशनल ना हो यार। ना होने देना मन्ने। नहीं डर लग रहा है मन्ने। ना होने देना मन्ने। ठीक है फिर बोले। और जी एक दाढ़ी वाले बाबा जी ने हिमालय पर्वत पे हाथ उठा के कहा था कि छोरा है ना पारस है पारस, ये अगर सोने को छू देना तो वो पत्थर बन जाए। क्या मतलब? ओ जी इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है ये पत्थर को छू देना तो वो सोना बन जाए, ओ जी ये तो अगर बंजर जमीन में एक ठोकर मार देना तो वह तेल का कुआं निकल आए। तो मेरी जमीन में एक ठोकर मरवा दो इससे। यहाँ तेल नहीं निकलेगा सेठ। क्यों भाया? आप 10वें माले पर रहते हो ना, ग्राउंड फ्लोर पर रहते तो हम आपका तेल निकाल देते। भांजे क्या कह गया तू? मामा मासूम हूँ बोल गया। अच्छा मैं आपको प्रार्थना करके कहता हूँ कि आपसे ज्यादा सीनियर लोग भी हैं तो उनसे ज्यादा पगार आपको दे नहीं सकूंगा, आपको सिर्फ महीने का 5,000 रुपया दूंगा, चलेगा? 5,000? कम है? कम है? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। चलेगा, चलेगा, चलेगा। वाह मेरे से भी मिला जी। तैयार तो हूँ, तैयार क्या होना है? अरे अच्छे बच्चे जब ऑफिस जाते हैं ना तो तैयार होके जाते हैं। तो क्या करूँ? ले पकड़, ले ये निकाल मंजन। ले सब तो मुझसे करवा रहा है, तू क्या कर रहा है? अरे तू रख ये सफेद सफेद दांतों में। हाँ रख रहा हूँ ना। मान जब दांत मांजूंगा ना। मान तो सही, फिर मान रहा हूँ। जबरदस्ती मंजवा रहा है, ला वापस रख। अरे थर्मोज ना खोल कर ना। अच्छा बच्चा खोल रहा है। और बाद में अरे मुंह तो गीला कर लूं। ओहो ले डाल इसमें। अब क्या करोगे? अरे मैं इसको घोड़ूंगा, मैं घोड़ता रहूंगा, तुम मारता रही हो। साड़ी भी तो बनानी है तेरी। हाँ हाँ अरे क्या कर रहा है? कमाल है, क्या करता है देखो। मामे अरे मैं तो सुबह भूल ही गया यार, वो सूर्य को प्रणाम करना भूल गया। मामे बड़ी गलती होगी, बड़ी गलती होगी। एक मिनट मारे। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। और बच्चे की सारी बोतल खाली कर दी एकदम। कोई बात नहीं, फिर भर लेगा, भर लेगा। फिर दिखा, गाल दिखा अपना। और दाढ़ी बढ़वाते हैं, बात नहीं करते। मामे किसी दूसरे बच्चे के पास थर्मोस है क्या? नहीं वो गड़बड़ हो गई ना, वो पानी खत्म हो गया इसका। बच्चे पानी से बना। अरे बना दिया ना एकदम धर्मेंद्र तेरे को। अच्छा धर्मेंद्र मुझको बोल रहा है, लाइन तू मार रहा। अरे क्या कर रहा है अब? ना 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 ऐसे कर रहा है जैसे होली आ गई हो। अरे अल्लाह मुंह पोछ लूं। मामे ला लूंगी दे दे। अरे क्या कर रहा है अब? अच्छा तो कुर्ता दे दे, इतना शर्मा क्यों रहा है तू? अरे बस नहीं आ रही। अरे इतना काम नहीं होता यार, काम नहीं होता मुझसे। आ जाओ डालता, आहिस्ता आहिस्ता। इधर आ जाए, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझ गए?
संभालेंगे। अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से खाओ, मैं अभी आता हूँ। कड़वा, अबे कड़वा साले, कड़वा साला तू इधर क्या कर रहा है यार? कड़वा क्या क्या कड़वा कड़वा कर रहा है? ये गांव नहीं शहर है, मुंबई शहर। यहाँ लोग मेरे को काली चरण के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ लोग तेरे को काली चरण के नाम से जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो गांव का कड़वा है, चार चरण में गोबर उठाने वाला। और साले तू गांव के अंदर बड़ी शेकी मारता था कि तू मुंबई शहर में ऑफिसर बन गया है, यहाँ आके किसी का ड्राइवर ही कर रहा है क्या? चुप इडियट, वो मैं ड्राइवर नहीं, ये मेरी गड्डी है। ए साला क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है, अरे कहाँ लाखों की गड्डी और कहाँ चार चरण में गोबर उठाने वाला तू कड़वा? चुप 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 चुप। एक मिनट सुन, मैं तेरे को बताता हूँ चक्कर की है। उधर अंदर झाक के देख कौन है, झाक के देख। कौन है मोटी चश्मे वाली जो बैठी है? चुप चुप, धीरे बोल धीरे बोल। वो मेरी बीबी है। क्या बात कर रहा कड़वा? हाँ, 1 करोड़पति बाप की बेटी है। मैं इसको फंसा के इसके साथ शादी कर लिया हूँ और इसके पैसों पे ऐश कर लिया हूँ। क्या बात कर रहा है कड़वा? कोई तनाई नहीं, कल मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ और परसों लंदन जा रहा हूँ। तू बोल क्या रहा है कड़वा? तू फिर मेरे को कड़वा कड़वा बोल रहा है? तू मेरे को कड़वा कड़वा क्यों बोल रहा है? मेरे को, मैं बोला ना अगली बार जब मेरे को मिलेगा तो काली चरण के नाम से बुलाना, कड़वा के नाम से नहीं बुलाना। ठीक है ठीक, मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है कड़वा, काली चरण यार, काली चरण, चार चार आने में गोबर उठाने वाला काली चरण, चार चार आने में गोबर उठाने वाले काली चरण सेठ। साला गोबरदास झाड़ू मर गटरपुरी, करोड़पति की बेटी का पति बनकर खुद करोड़पति बन गया। हे भगवान, मेरे को भी एक ऐसी लड़की से मिला दे जिसका बाप करोड़पति हो। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, अरे वो मैम साहब, दीदा फूट गया क्या? गाड़ी से हम गरीबों को कुचलने निकली है क्या? भाई साहब आप अचानक बीच में आ गए, तुम्हें क्या करती? पैसा आ गया तो चर्बी चढ़ गई है क्या? भाई साहब क्या मांग रहा है? कुछ नहीं भाई, करोड़पति की बेटी है, पैसों के अकड़ में ठोक दिया गरीब पिठेले को। ये करोड़पति की बेटी है? सेठ धनपत राय का नाम सुना है? सेठ धनपत राय शहर का सबसे बड़ा रईस है। शहर का सबसे बड़ा रईस उसकी इकलौती? हमें माफ कर दीजिए, गलती हमारी है। देखिए भाई साहब आप हमें माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए, ये जो नुकसान होता पैसा कौन भरेगा? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपका जितना भी नुकसान है हमें बताइए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो ठीक है, निकालिए 50,000 रूपए। 50,000? एक मिनट भाई साहब, ये क्या गुंडा कर दिए? अरे काय की गुंडा करती, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं। वो देखो मेरे ठेले की हालत, अगर मैं मर जाता तो अरे लेकिन मरे तो नहीं ना, और कहा आपका ठेला? अरे क्या भाई साहब, सिर्फ 200 रुपए का नुकसान हुआ है और उसके एवज में आप 50,000 रुपए मांग रहे हो? अरे तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? अरे मैं आप लोगों में से एक हूँ, आपका एक गरीब भाई। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपकी तरह डाका नहीं डालता। क्या हम डाकू लग रहे क्या तुमको? डाकू नहीं तो और क्या हो? अरे 200 रुपए के एवज में 50,000 रुपए मांग रहे हो? लेकिन भाई साहब आप ठेला चलाते हो ना? हाँ। इसका मतलब भाई साहब आपका जमीर जिंदा है। और माफ कीजिएगा, जिसका जमीर जिंदा होता है ना, वो आदमी मर जाएगा लेकिन कभी किसी की ऐसी दौलत पर हाथ नहीं डालेगा जिसमें उसका हक ना हो, क्योंकि हम गरीब हैं, भिखारी नहीं, लुटे नहीं। आप महान है भाई साहब, आपने तो मेरी आगे खोल दी भाई साहब। ये ले 200 रुपए पकड़। आपने तो मेरी आगे खोल दी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए, अब जाइए। थैंक यू। तू जा, अब जाइए। अरे जाइए ना, इस लाल गाड़ी का पीछा कर, करोड़पति की मालूम है। चलाम बेबी, कांची छैया छैया छैया, ओ कांची छैया 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 कांची। बाप रे बाप, अरे ये लड़की का बाप तो कड़वा के ससुर से भी ज्यादा बड़ा आदमी लगता है। अबे ये बहुत बड़ा आदमी है ना। ओ शेर उतरो उतरो उतरो, ओ शेर नीचे उतरो उतरो नीचे उतरो नीचे उतरो, ओ शेर नीचे उतरो। हां उतरो, क्या शेर उतरो, क्या शेर जा से। हां तुझे देख लूंगा। हां सैल्यूट नंबर बनवाया ना। हां जा साहब, जा जा। हां बच्चों, कहाँ गए थे? यूं ही बाल को जरा गाड़ी सिखाने ले गई थी। बेटे ये तुम्हारे माथे पे खून क्या हुआ?
कुछ नहीं अंकल, वो रास्ते में जरा सी चोट लगी तो शायद खून निकल आया। अंकल आपने अपना कीमती रुमाल क्यों खराब कर दिया मेरे लिए? बेटे ये रुमाल तुम्हारे खून से ज्यादा कीमती नहीं है, अब तुम लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? अरे डॉक्टर डॉक्टर छोड़िए अंकल, हल्की हल्दी लगाते ही ना सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, फौरन डॉक्टर इम्तियाज को फोन करो। सोनिया दीदी आपके लिए सिद्धार्थ जी का फोन है। चल पायल। डॉक्टर इज कमिंग। यस सर। ये लड़की कौन है सेठ जी? कौन सी? अरे जिसके माथे पर चोट लगी है। अपनी बेटी है। आपकी बेटी कैसे हुई? वो तो आपको अंकल अंकल बोलती है। धनपत सेठ उसको भी अपनी बेटी सोनिया की तरह ही प्यार करते हैं, मगर हकीकत में वो उनके मालिक की बेटी है। महाराष्ट्र की 10 लाख की लॉटरी का वाह, राजस्थान के 5 लाख की लॉटरी का पिताजी स्वाहा। ये क्या कर रही है तू? मेरी कोई लॉटरी की टिकट लगी कि नहीं अभी तक? पिताजी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आप हर महीने अपनी आधी तनख्वाह इन लॉटरी के टिकटों में क्यों बर्बाद करते हैं? और लगती एक भी नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैं यही देख रही हूँ, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? तुझे क्या लगता है ये लॉटरी के टिकट मैं अपने लिए खरीदता हूँ? इस बुढ़ापे में पैसा जमा करने का शौक चढ़ाया है मुझे? अरे पगली, ये लॉटरी के टिकट मैं तेरे लिए खरीदता हूँ। अरे तेरा उठना बैठना जो बड़े बड़े घर की लड़कियों के साथ है, यही सोच करके तेरी अच्छी पढ़ाई करानी है, अच्छा भविष्य बनाना है, इसीलिए खरीदता हूँ ये लॉटरी के टिकट। अरे मैं यहाँ हूँ। मामा मामा, अरे मामा कड़वा मिला था कड़वा। अरे लानत भेज, कड़वा भी कोई मिलने की चीज है? अरे माँ मैं कड़वा मर्सिडीज में घूम रहा था, मामा वो इतना चालू है उसने करोड़पति की बेटी को फांस लिया और खुद करोड़पति बन गया। अरे वो करोड़पति बन गया तो तू क्यों छलांग मार रहा है? अरे मैं अपनी छलांग पे आ रहा हूँ ना। तूने सेठ दंपत राय का नाम सुना है? वो कड़वे का ससुर है क्या? अरे माँ मैं कड़वे के ससुर जैसे 10 आदमी उसकी जेब में रहते हैं। सेठ दंपत राय है ना, मेरा होने वाला ससुर है। अरे की बात कर रहा है? अरे गिरा दिया ना तोड़िया। मां मैं जरा सोच कि सेठ धनपत राय की इकलौती बेटी पायल अगर मेरे से फंस गई ना, उसकी मेरे से शादी हो गई ना, तो फिर हम लोग भी लंदन अमेरिका घूमेंगे, हमारे पास भी मर्सिडीज होगी मर्सिडीज। अरे भांडजे ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, उसको फंसाना है ना तो उससे मेल जोल बढ़ाना होगा। मेल जोल बढ़ाना होगा? अभी तो मिली थी, थैंक यू बोली थी। थैंक यू बोला था तने? हाँ। अरे कब बोला, कैसे बोला, कहाँ बोला? मैं थोड़ा नमक मिर्च लगा के बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानेगा? अरे बता तो सही तू। मामे संडे की रात थी, पहली मुलाकात थी, मैं था वो थी और हल्की बरसात थी।